रहा है ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 79 जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस हुआ करता था वो इंपरेटिव सेंटेंस था और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई थी। बट फ्रेंड्स आज की बात करें तो आज भी हम इंपरेटिव सेंटेंस की ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, डोंट से होगी। थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, लेसन बहुत ईजी होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रीवियस लेसन की तरह ही हमें करनी होगी। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल लेकर इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं क्या कि अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाए, डोंट से हो जाए, और इस डोंट के बाद क्या लिख के आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड टू मी और उसके बाद उसने क्या कहा, देखिए डोंट डू एमबीए, ये आपके पास एक सेंटेंस है जो कि हमारा किसका हो गया, डायरेक्ट स्पीच का हो गया, बट इसकी शुरुआत कहां से हुई है, डोंट से हुई है। अब यहां पर देखिएगा, ही सेड टू मी डोंट डू एमबीए, उसने मुझसे कहा कि एमबीए मत करो, ये थी हमारी क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा कि एमबीए मत करो यानी कुछ और कर लो, यानी यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं एमबीए ना करने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, हमें इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को तो कॉपी करना ही है और इसके बाद में क्या लिखना होगा, सजेस्टेड, एस यू डबल जी ई एस टी ई डी। बट फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर इस सजेस्टेड के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़े तो हम सजेस्टेड के बाद का जो टू है ना उसको हटा नहीं सकते। कल हम लोगों ने क्या देखा था, अगर बात रिक्वेस्टेड की है, ऑर्डर्ड की है, एडवाइज्ड की है या फिर कमांडेड की है तो हम लोगों ने उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, वहां पर हमने टू का यूज नहीं किया था। बट अगर बात सजेस्टेड की है तो सजेस्टेड के बाद आपको टू लगाना ही पड़ेगा, वरना आपका जो वाक्य है, जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, देखिए इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, नॉट टू, और इस नॉट टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर हमें कॉपी करना है और फिर क्या लिख देना होगा, एमबी। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, इसको हमने इनडायरेक्ट में बना लिया और क्या लिखा मैंने, ही सजेस्टेड टू मी नॉट टू डू एमबी। अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि प्रीवियस लेसन का होगा। तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुआ करती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो सोचिए कि आपके पास सेंटेंस था क्या था कि टू एमबीए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था कि इस लड़के ने मुझे एमबीए करने की सलाह दी थी और इस सेंटेंस को अगर मैंने इनडायरेक्ट किया था तो मैंने क्या किया था, ही सजेस्टेड टू मी और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने क्या रखा था, टू, और बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर कॉपी की थी। लेकिन आज की बात करें तो आज क्या हो रहा है कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, डोंट से हुई है, और ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया है, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगा दिया, नॉट का यूज किया। कहने का मतलब हमें वही सारी चीजें करनी है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में की थी, बट अंतर इतना कि आज हमारे सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो रही है तो इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें नॉट टू का यूज करना होगा। फ्रेंड्स इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है क्या कि ही सेड टू मी और उसके बाद उसने कह दिया डोंट Sit here, please. P-L-E-A-S-E. तो ध्यान से देखिए, अगर प्लीज लिख किया गया तो सेंटेंस में क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है यानी आग्रह की जा रही है, और ऐसी कंडीशन में अगर इसे हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो लिखना ही था और उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर, रिक्वेस्टेड, R-E-Q-U-E-S-T-E-D. He requested me. अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा, नॉट, फिर क्या लिखना होगा यहाँ पर, टू, उसके बाद हमें रखनी होगी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, टी एच ई आर ई, प्लीज को हमें हटा देना है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रिक्वेस्ट करने का काम हो रहा था तो सेट टू को मैंने किस में, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया और रिक्वेस्टेड के साथ टू का यूज नहीं किया जाता, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू सिट देयर,
और ये जो हियर लिखा था तो हियर को हम लोग क्या करेंगे, देयर करेंगे, और ये बात हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पहले कभी पढ़ रखी है। इसमें फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लिखते हैं और समझते हैं। सोचिए अगर मैंने आपसे कहा होता माय बॉस सेड टू मी डोंट गो आउट, तो मेरे बॉस ने मुझसे क्या कहा कि बाहर मत जाओ। अब अगर मेरा बॉस है तो वो क्या करेगा, मुझे ऑर्डर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, यहां पर देखिएगा, माय बॉस ऑर्डर्ड मी। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए नॉट टू का यूज करना है, बाकी हमें यहाँ पर गो आउट ही लिखना होगा और कुछ नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय बॉस ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट। अब फ्रेंड्स एक सेंटेंस मैं आपके सामने और लिखता हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि मैंने आपसे कहा होता ही सेड टू मी डोंट स्मोक हियर, ही सेड टू मी डोंट स्मोक हियर। सोचिए कि मैं किसी ट्रेन में हूं और मैंने वहां पर सिगरेट निकाल ली, तो हमारे बगल वाला जो पैसेंजर था उसने मुझसे क्या कह दिया कि डोंट स्मोक हियर। और जब उसने बोला था डोंट स्मोक हियर, तो इस सेंटेंस में उसने प्लीज या फिर काइंडली जैसे शब्द का यूज तो किया नहीं, ऐसी कंडीशन में ये रिक्वेस्ट तो थी नहीं, और वो मुझे ऑर्डर दे ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा बॉस नहीं है, मैं उसके नीचे कोई काम नहीं करता हूँ, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, उसने मुझे ना तो ऑर्डर दिया है और ना ही उसने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की है, बस उसने मुझे उस काम को करने से मना कर दिया। और ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको हम जो है फॉरबिड से भी बना सकते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है क्या, मना करना, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो क्या होती है, फॉरबिड। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो कॉपी करना ही होगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, फॉरबिड, forbade, ये फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है क्या, मना करना। तो मैंने क्या लिखा, ही फॉरबिड मी, उसने मुझे मना कर दिया। अच्छा, किस काम को करने से मना कर दिया, धूम्रपान करने से। अब ध्यान से समझिएगा कि इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मैं नॉट का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बात फॉरवर्ड की है तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, यानी फॉरवर्ड अगर मैंने यूज किया तो ऐसी कंडीशन में मैं नॉट का यूज नहीं कर सकता, और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर टू का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, स्मोक, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर। तो हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो क्या बनेगी, ही फॉरवर्ड मी टू स्मोक देयर। इसमें फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैंने आपसे कहा होता माय फादर सेड टू मी और उसके बाद उन्होंने कह के दिया कि डोंट वॉच टीवी, क्या कहा उन्हें, डोंट वॉच टीवी। अब जो पापा है वो दोनों काम कर सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं और वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखिएगा मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने इसको फॉरवर्ड से बनाया तो मैं क्या बोलूंगा कि माय फादर फॉरवर्ड मी टू वॉच टेलीविजन, माय फादर फॉरवर्ड मी टू वॉच टेलीविजन। लेकिन अगर इसको मैं ऑर्डर्ड से बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, माय फादर ऑर्डर्ड मी, ORDERED। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, नॉट टू का यूज करना होगा। दोनों ही तरीके ठीक थे, आप अगर फॉरवर्ड से बना रहे हैं तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया तो फिर आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा, और सेंटेंस क्या बनेगा, माय फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वॉच टेलीविजन। एक सेंटेंस फ्रेंड्स और सुनिएगा, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने कह दिया डोंट टेक ऑयली फूड, तो उस डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी। अब इसको मैं अगर डायरेक्ट बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट टेक ऑयली फूड। लेकिन अगर इसे मैं इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेक ऑयली फूड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।